एक भाई का कमेंट आया है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? मेरा आपसे सवाल ये है, साइप्रस में कम से कम सैलरी 11,800 रुपये ले रहा है, लेकिन अगर एक आम बंदा 11,800 रुपये कमाता है तो उसको वहाँ की गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना पड़ता है, और उसके पास नेट अमाउंट महीने पर कितनी बचती है, और पाकिस्तान कितने पैसे भेज सकता है या नहीं, भेजने में भी पैसे कटते हैं या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि अगर एक आम बंदे की आपने बात की, आम बंदा मुझे अभी ये नहीं पता कि आम बंदा जो है वो स्टडी वीज़ा पे आपने बात की है या वर्क वीज़ा पे बात की है, अगर मैं दोनों का आपको क्लियर करता जाऊँ, स्टूडेंट वीज़ा जो होता है उसमें टैक्स वगैरह नहीं कटता, जो वर्क वीज़ा होता है उसमें टैक्स वगैरह, जो अच्छी कंपनी होती है वो टैक्स वगैरह खुद ही काट के आप लोगों को 11,800 तुर्किश लीरा सैलरी देती है, और जो फारेक्स की कंपनीज होती हैं, फारेक्स से रेस्टोरेंट होते हैं, वो उसमें से चवले मारना शुरू कर देते हैं कि नहीं इसमें से हमने आपके पैसे काटने हैं, ये करने हैं, और वो काट कूट के आपको तकरीबन 9,000 या 10,000 तुर्किश लीरा तक देते हैं, आधा वो टैक्स कंपनी भी कर देती है और आधा टैक्स वो आपको ठीक डाल देती है कि आपने पे करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 9 से 10 हज़ार तुर्किश लीरा आप लोगों के पास बच गया आफ्टर कटिंग टैक्स वगैरह के बाद, उस टैक्स के बाद आप लोगों ने जो पाकिस्तान अमाउंट भेजनी है, अगर आप वो मनीग्राम या किसी भी वेस्टर्न यूनियन से भेजेंगे तो वो ऑफ कोर्स उस पर भी टैक्स लगेगा आप लोगों का। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि कुछ होते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको यहाँ पे पैसे ज़रूरत होते हैं, तो मोस्टली जो आदमी है ना वो यहाँ पे ऐसे ही करते हैं कि उनको पैसे दे देते हैं, स्टूडेंट्स को पैसे दे देते हैं और पाकिस्तान में वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे भी ऐसे ऐसे बंदे हैं, ऐसे ऐसी पाकिस्तानी एटमी हैं, एटमी कह लूँ कि पाई जाती हैं, आला मखलूकें पाई जाती हैं ऐसी ऐसी, कि वो जो टैक्स पाकिस्तानी करेंसी है ना, अगर वो आपने पाकिस्तान भिजवाने हैं ना तो उस पर भी टैक्स लेते हैं, और अगर आपने उनसे यहाँ से पैसे लेने हैं ना, लाइक अगर आपको यहाँ पे 1,000 यूरो चाहिए, तो वो क्या करेंगे, पाकिस्तान में अगर 310 का 1,000 यूरो चल रहा है ना, तो वो कहेंगे कि हम 312 या 313 के आपको दे के ना आप हमसे 1,000 यूरो ले लो। यानी कि हर काम में ना उन्होंने पाकिस्तानियों की खींच के रख के, जिसे कहते हैं ना, बजा के रखी हुई है। मतलब कोई बंदा यहाँ पे फेयर नहीं है पाकिस्तानी एक दूसरे पाकिस्तानी के साथ, बहुत ही कम फेयर लोग आपको मिलेंगे। तो ये सारा सीन है, ओपनली मैंने आपको बात बता दी है, किसी को बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी नेक्स्ट कोई अच्छा सा क्वेश्चन होगा उसका भी मैं जरूर वीडियो के साथ रिप्लाई करूँगा। टेक केयर।